जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट किसे करवाना है और किसे नहीं, मार्केट में बड़ा ही कंफ्यूजन है 2 करोड़ और 5 करोड़ को लेकर। क्या है नियम जानते हैं हम। एनुअल रिटर्न कंपलसरी है, 2 करोड़ से अगर ऊपर आपका टर्नओवर है तो, 2 करोड़ से नीचे है तो आप ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो एनुअल रिटर्न भर सकते हैं वरना ना भरें, पर 2 करोड़ से ऊपर तो आपको भरना ही पड़ेगा। ये तो था एनुअल रिटर्न को लेकर। अब चलते हैं एनुअल जीएसटी ऑडिट के ऊपर। जब जीएसटी ऑडिट की बारी आती है तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन चालू होता है 2 करोड़ और 5 करोड़ का। तो जीएसटी का जब नियम आया था तो यही नियम आया था कि 2 करोड़ से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 करोड़ का फिगर कहाँ से आया। 5 करोड़ का फिगर 2018-19 के लिए छूट दी गई थी कि 2 करोड़ से 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए जीएसटी ऑडिट ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे ऑप्शनल बोला गया था, पर आप भर भी सकते हैं, जीएसटी ऑडिट करवा सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल बनाया गया था 2018-19 के लिए। तो फिर 19-20-20-21 ये सब के लिए क्या 2 करोड़ ही माने हम। जी हाँ, आपको 2 करोड़ ही मान के चलना है कि 2 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको एनुअल रिटर्न भी भरना है और जीएसटी ऑडिट भी करवाना है। तो ये जो छूट है 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए जो ऑप्शनल की गई है, ये अभी तक जीएसटी वालों ने नहीं बताया है। तो हो सकता है कि आगे चल के कोई नोटिफिकेशन आए जिसके थ्रू हमें इस साल भी छूट मिल सके, 18-19 के बाद भी छूट मिल सके। तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके बताइएगा कि 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को यहाँ पे छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।